कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है रो। विदिशा जिले के पठारी में नव दिवसीय संगीत में श्री राम कथा का समापन हुआ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द खबरदार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवम कुशवाहा। विदिशा जिले के पठारी समीप बालाजी धाम नगटोरिया पर चल रही नव दिवसीय संगीत में श्री राम कथा का मंगलवार को समापन हो गया। राम कथा के अंतिम दिन अर्थात समापन पर कथावाचक द्वारिका प्रसाद तिवारी ने अपने मुखार बिंदु से भगवान श्री राम के 14 वर्ष बाद अयोध्या वापस लौटने पर गुरु वशिष्ठ, भ्राता भरत और शत्रुघ्न और उनकी माताओं सहित अयोध्या की प्रजा आदि में खुशी का माहौल, चारों ओर मंगल ही मंगल के संकेत व अयोध्या वासियों से जुड़ी अनेक प्रकार की चर्चाओं का वर्णन किया। नागटोरिया समिति व अन्य भक्तों के तत्वाधान में चल रही श्री राम कथा का मंगलवार को विश्राम सत्र था। नव दिवसीय संगीत में श्री राम कथा का भारी संख्या में भक्तों ने लगातार सवर लाभ लिया। समापन के दिन बताया गया कि भगवान श्री राम 14 वर्ष बाद किस प्रकार अयोध्या वापस लौटे और वर्षों से इंतजार कर रहे अयोध्या वासियों ने किस प्रकार से उनका स्वागत किया। इसके साथ ही महाराज जी ने भारत के सुचरित्र का संक्षेप में वर्णन किया। राम कथा को सुनकर भक्तगण मंत्रमुग्ध हो गए। श्री राम कथा के विश्राम दिवस में राम कथा को सुनकर भक्तगण मस्ती में झूमने लगे। साथ ही विदाई की बेला पर भक्तजन भाव विभोर उठे। कथा का आखिरी दिन होने की वजह से बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण इलाकों के राम भक्त भी कथा सुनने आए। शाम को कथा का समापन के उपरांत समिति द्वारा महाप्रसाद का वितरण किया गया। कथा समापन के अवसर पर जिला पंचायत सदस्य रानी अहिरवार अपने समर्थकों के साथ कथा श्रवण करने पहुंची और नीचे बैठकर कथा श्रवण की। इस दौरान अधिक लोग वहां मौजूद रहे। विस्सा पठारी से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है रो।